हेलो गुड मॉर्निंग क्लास प्लस टू 10:40 10:40 शुभम जी शुभम जी 10:40 हो चुके हैं 10:40 हो चुके हैं। आपकी क्लास स्टार्ट है। सामने टॉपिक बना हुआ है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। दिन है शनिवार और हमारा थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है और इसके बाद एक छोटा सा पांच जैसे डायमेंशंस बनाए हैं, पांच ही आपके एडमिशन के केस हैं जो इसी लेक्चर में आपको साथ की साथ बता दी जाएंगे या देखेंगे उसका अलग से लेक्चर बना देंगे क्योंकि वो यूट्यूब पे अलग से रह जाएगा फिर आपके पास, वो भी सही है। तो डायमेंशंस, आप सब बच्चों ने फीचर पढ़ लिए होंगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, डायनामिक होता है, स्कैन करना इजी है, प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है। फिर मैंने पढ़ाई थी इंपॉर्टेंस जो सबसे ज्यादा जरूरी थी। व्हाट्सएप का एग्जाम्पल दिया था, मारुति का एग्जाम्पल दिया था, बहुत सारे हमने आपको एग्जाम्पल दिए उसके अंदर। आईटीसी होटल्स का एग्जाम्पल दिया था, मोबाइल का माइक्रोमैक्स का एग्जाम्पल दिया था, पैनासोनिक का एग्जाम्पल दिया था, वो इंपॉर्टेंस ने पढ़ाया था आपको। आज कल हमने आपको इसकी ऑडियो भेजी थी, वीडियो अपलोड हो गई है। वीडियो अपलोड होने के मतलब ये है कि आप फटाफट जिन बच्चों ने अभी तक ऑडियो नहीं सुनी वो सबसे पहले ऑडियो को सुनेंगे, देन वो डायमेंशंस में आएंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की वीडियो पे। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशंस क्या होती है, बस मेरी तरफ देखना है। बुक तो आपने शुरू से पढ़ी हुई है, पढ़ते कल से पढ़ी रही है, जिसे नहीं पढ़ी है तो पहले वो ऑडियो सुनेगा, ठीक है। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? डायमेंशन होता है आपके बिजनेस को इफेक्ट डालने वाले फैक्टर्स, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस, कुछ भी, कोई भी ऐसी छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज जो आपके बिजनेस को इफेक्ट डालती है उसका नाम है डायमेंशन। उस डायमेंशंस को पांच टाइप्स में बांटा गया है। पहला टाइप है इकोनॉमिकल, दूसरा है सोशल, तीसरा है पॉलिटिकल, चौथा है लीगल और पांचवा कौन सा है? टेक्नोलॉजिकल। इन पांचों के वर्ड टू वर्ड आपकी बुक में आपसे, आपकी ऑडियो में आपसे बात की गई है। हमें सिर्फ पंचिंग वर्ड्स पे जाना है ताकि आपको ये फ्लैशबैक आ जाए दोबारा से डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है जी। पहली डायमेंशन है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है, जिसे हम इकोनॉमिकल डायमेंशन बोलते हैं। इकोनॉमिकल डायमेंशन एक ऐसी डायमेंशन है जो कि आपकी इंडिया की कंट्री, जैसे हमारी कंट्री इंडिया है, इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इंडिया की वेल्थ, इंडिया की एसेट्स, इंडिया की क्रेडिट क्रिएशन, इंडिया का पैसा, इसके ऊपर इफेक्ट डालती है। ऐसी कंडीशंस, ऐसी कुछ बातें जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी की, इकोनॉमी में क्या क्या आता है, इकोनॉमी में पॉपुलेशन भी आती है, पॉवर्टी भी आती है, मेडिसिन भी आता है, हेल्थ भी आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, रोड भी आता है, ब्रिज भी आता है, डैम भी आता है, जीडीपी भी आती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आता है, नेशनल इनकम भी आता है, एग्रीगेट डिमांड भी आती है, सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। तो हमारी इकोनॉमिक्स को जो भी फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं वो सारे फैक्टर एक कैटेगरी में रखे जाते हैं और उस कैटेगरी का नाम क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मैं आपकी बुक की फर्स्ट लाइन पढ़ भी देता हूं, उसमें लिखा हुआ है, स्पेशली मैंने पढ़ाया भी था। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ यूअर कंट्री, कि ऐसे कोई भी फैक्टर्स जो आपकी इकोनॉमिक्स पे, आपकी कंट्री की इकोनॉमिक्स पे इफेक्ट डालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है जी। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं दो चार आपको समझाने के लिए। जीडीपी, हमारे इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हमारे इंडिया की नेशनल इनकम, हमारे इंडिया का आरबीआई बैंक जो भी रिलीज करता है जिसके अंदर सीआरआर, एसएलआर जो आपने पढ़ा है वो सारा आ गया, हमारे इंडिया की डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं उसे,
हमारे इंडिया का डीमोनेटाइजेशन। जो 500 और 1000 के नोट को लेकर हुआ था, ये सारी चीजें हमारी इकोनॉमिक्स पे इफेक्ट डालती है। किस पे इफेक्ट डालती है? इकोनॉमिक्स पे। हमारे इंडिया का जीएसटी, ये सारी चीजें हमारी इकोनॉमिक्स पे क्या डालती है? हमारे इंडिया का टैक्स, टैक्सेस जितने भी होंगे वो भी सारे हमारी इकोनॉमिक्स पे इफेक्ट डालते हैं। लिखने को बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन जगह कम है। मैंने मोटी मोटी लिख दी, लेकिन आपकी बुक में भी 12, 13, 14 पॉइंट्स आगे दे रखे हैं, जहां पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मीनिंग है। उसके बाद एक तो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बहुत कुछ लिखा है। मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, लास्ट में 13 13 एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं नीचे। 13 एग्जाम्पल्स आपको नीचे दे रखे हैं, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है? क्या ऐसे कोई भी एनवायरमेंट जो आपके कंट्री की इकोनॉमिक्स को इफेक्ट डालते हैं? ध्यान से मेरी बात सुनना, जो भी आपकी कंट्री की इकोनॉमिक्स को इफेक्ट डालते हैं। आपने प्लस वन में भी इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, अब प्लस टू में भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आप। जीडीपी, टैक्स, नेशनल इनकम, आरबीआई, डिमांड, मनी सप्लाई, डीमोनेटाइजेशन, बहुत कुछ पढ़ेंगे। बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारी चीजें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती है। बहुत चीजें इफेक्ट डालती है हर हर कंट्री इकोनॉमिक्स को, बहुत सी चीजें इफेक्ट डालती है। अब हमारी कंट्री का मान लीजिए जीएसटी का क्या, जीएसटी आने से कितना इफेक्ट पड़ा बिजनेसेस पे? किसी की ब्लैक मनी कम होगी, किसी का घाटा बहुत ज्यादा हो गया, कुछ भी हो सकता है। हमारे इंडिया में आरबीआई बैंक सबसे बड़ा बैंक है, आप पढ़ चुके हैं। अगर वो पैसा फ्लो कम करेगा तो कंट्री में पैसा नहीं आएगा, जिससे इकोनॉमिक से इफेक्ट पड़ेगा। हमारे इंडिया की शेयर मार्केट, हमारे इंडिया का रुपया, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, रुपया डाउन हो गया, वो सारा हमारी इकोनॉमिक्स पे इफेक्ट डालता है। किस पे इफेक्ट डालता है? इकोनॉमिक। इसीलिए उसको कौन सा एनवायरमेंट बोला जाता है? इकोनॉमिकल एनवायरमेंट बोला जाता है। देन अगला सोशल, सबसे इजी है सोशल। सोशल का मतलब हम, सोसाइटी, हम सोशल एनिमल हैं। हम कौन से हैं? सोशल एनिमल्स हैं। हमारे फैशन, मैंने बताया था जींस की पैंट का रिवाज है, बड़ी बनाई पेंटों का रिवाज है, दर्जी वाली पेंटों का रिवाज नहीं है। तो ये हमारे टेस्ट में, फैशन में चेंज आ जाता है, वो किस में आता है? सोशल एनवायरनमेंट में आता है। ऐसा कोई भी फैक्टर जो हमारी सोसाइटी को इफेक्ट डालता है, उसे हम क्या बोल, किस में आते हैं? वो सोशल में। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल ज्यादा समझ आएगा। जैसे फैशन, किसी चीज का फैशन, कल्चर, ये बहुत बड़ी चीज है कल्चर। ईद आ गई, ठीक है ना, ईद आ जाए और दिवाली आ जाए, गुरुपुरब आ जाए। ईद के टाइम मुसलमानों का, मुसलमान अपनी खुशियां मनाते हैं, दिवाली के टाइम हिंदू होते हैं, गुरुपुरब के टाइम सिख फैमिलीज होती हैं, जो क्या करती हैं, अपने दिवाली तरह बनाती हैं। उनके अपने अपने रिवाज होते हैं, रीति रिवाज के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। टेस्ट, फैशन, टेस्ट, माइनॉरिटी देना, माइनॉरिटी फॉर वुमेन्स, या फिर एससी एसटी कास्ट के लिए कास्ट सिस्टम। जितने भी कास्ट सिस्टम होते हैं वो सारे सोसाइटी में आते हैं। कहते हैं ना कि एससी कोटा, बीसी कोटा, कि शेड्यूल कास्ट वालों को सबसे पहले सीट मिलेगी, बीसी और जनरल वालों को बाद में मिलेगी, उनकी फीस कम है। और जैसे बसों में लिखा होता है कि पहली 7 सीटें किसके लिए है? वुमेन्स के लिए है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी का पूरा अधिकार है आज के टाइम में, बेटी को पूरा हक मिलना चाहिए। सोशल एनवायरमेंट कि लड़कियों में, लड़कियां समाज में, सोसाइटी में पीछे नहीं रहेंगी आज के टाइम में। सोशल एनवायरनमेंट कि लड़कियां लड़कों के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगी। सोशल एनवायरनमेंट, फैशन, कल्चर, ये सारे का सारा, लिविंग स्टैंडर्ड आपका, स्कूल, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, बढ़िया बढ़िया, ये सारे किसमें आते हैं? सोशल एनवायरनमेंट में। अब कोरोना वायरस,
कोरोना वायरस एक नेचुरल हो गया, उस कोरोना वायरस ने हमारे टोटली सोशल एनवायरनमेंट को तहस नहस कर रख दिया, सफाई मेडिकल फैसिलिटीज को इतना ज्यादा बुरा हाल कर रखा है, सोशल एनवायरनमेंट माइनॉरिटी फॉर वुमेन्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके बुक में भी है, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस एग्जिस्ट, जहां बिजनेस खड़ा है, इट्स इंक्लूड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट प्रेफरेंस, एजुकेशन लेवल, सोसाइटी वेयर द बिजनेस एग्जिस्ट, द बिजनेस कैन नोट ओवर द कॉम्पोनेंट ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट, दिस कॉम्पोनेंट में नोट हैव इमीडिएट इंपैक्ट, ये एकदम इफेक्ट नहीं डालते, स्लो स्लो इफेक्ट डालते हैं, स्लो स्लो, जैसे द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपर्व, इंक्रीज द सेल ऑफ स्वीट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, डिमांड ऑफ जॉब ऑफ मॉनेटरी एंड वुमेन्स, देखो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल रखे हैं, इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन्स, इक्वल वेजेस, सारे एग्जाम्पल वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ना, कुछ नहीं छोड़ सकते, कहीं से भी केस स्टडी बनेगी। ऑटोमेटिक मशीन आ गई है आजकल मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, सोशल मूवमेंट होगी, एजुकेशन लेवल ऑफ गर्ल्स, हेल्थ फिटनेस के लिए जिम खुल गई है, क्वालिटी लाइफ, प्लेस ऑफ वुमेन्स, बर्थ डेथ रेट, एटीट्यूड ऑफ कस्टमर, एजुकेशन लिटरेसी रेट, सारा इसमें आता है। अब हमारी सरकार मान लीजिए उसके लिए टॉयलेट के लिए काम कर रही है कि टॉयलेट बनवाने गांव में, हर गांव में, बिहार यूपी साइड सबसे ले आ गया, बिहार यूपी साइड सबसे ज्यादा टॉयलेट के लिए टॉयलेट योजना बनाई गई है, टॉयलेट प्लानिंग 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 बनाई गई है। इस टॉयलेट प्लानिंग का सबसे मेन जो मोटिव है वो ये है कि लोगों को बचाया जा सके, कि वो वॉशरूम जंगलों में ना जाकर अगर बीमारी से बचे और टॉयलेट बनाए जाए, तो सरकार ने उनके लिए क्या बनाए हैं, उनको सब्सिडी देकर टॉयलेट के घर में बनवाए गए हैं। इसका ये कौन सा एनवायरमेंट है, सोशल एनवायरमेंट, क्योंकि इससे बीमारी रुकेगी, बीमारियां नहीं फैलेंगी, ये सारा सोशल एनवायरमेंट है। हेल्थ फैसिलिटी, सफाई करना, अब आज तुम हैंड सैनिटाइजर से हाथ धोते हो, बार बार साफ करते हो, मास्क डालते हो, सारा काम सफाई रखते हो, पहले इतनी सफाई खुद की रखते जितनी अब अपने आसपास की रखते हैं, अपने हाथों की रखते हैं, सोशल एनवायरमेंट, ये सारे का सारा इसके नीचे में आएगा, सोशल एनवायरमेंट। एंड उसके बाद जो बारी है पॉलिटिकल, ये ध्यान से पढ़ना बच्चों, मेरे पास बड़े ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनना, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें कि कोई काम, बच्चे यहां कंफ्यूज होता है, सब बच्चे बोर्ड देखे, सब बच्चे बोर्ड देखे ऑफलाइन ऑनलाइन, ये देखिए मैंने दोनों टैच करे, ये देखो लाइन रेड पेन से टिक करा मैंने दोनों, यहां बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है जब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल की बात आती है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों एक जैसे से है लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज है। अब बात करें डीमोनेटाइजेशन की, मैं तो याद ही था डीमोनेटाइजेशन क्या था, पता कब आया था, कब आया था, नवंबर में, है ना जी, नवंबर 2019, हाँ जी, तो उस टाइम क्या हुआ था, डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसका मतलब था कि 500 और 1000 के नोट को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। ये मैंने यहां लिखा इकोनॉमिक में था कि ब्लैक मनी हमारी कम से कम हो, इकोनॉमिक एनवायरमेंट सही बात है, लेकिन किसकी पावर में हो गया हुआ, किसकी पावर में, बीजेपी की, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पेशली अपने अनाउंस किया कि हम आज से 500,000 के नोट बंद कर देंगे। कितनी ब्लैक मनी पकड़ी गई, हमारे पिंजौर में एचएमटीसी जाते हैं वहां भी बहुत नोट मिले थे, वहां पे 100 के, 1000 के नोट, सॉरी 1000 के और 500 के नोट बहुत मिले, वहां पे भी कटिंग करके गिरे हुए थे, न्यूज भी आई थी अखबारों में, तो ब्लैक मनी कितनी निकली बाहर, किसकी पावर में आके हुआ, मोदी की, वो आ गया पॉलिटिकल, इसकी वजह से आया मोदी की, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आया, किसने किसको फायदा हुआ, कंट्री को फायदा हुआ, कंट्री की इनकम बढ़ेगी, ब्लैक मनी कम होगी, वो कौन सा एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमिक। तो आपको जब पेपर में केस स्टडी आएगी तो बड़े ध्यान से हमने उसको समझना है, हमने उसको पढ़ना है, हमने उसको पढ़ के समझ के पहले यह देखना है कि उसका बेस्ट इंपैक्ट किसके ऊपर जा रहा है, उसकी जो केस स्टडी की लाइंस दे रखी होंगी उसकी लाइंस को पढ़ के समझ के पता चलेगा कि वो जो केस है, वो जो केस है वो कौन से लाइनों को सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है, क्या वो इकोनॉमिक की तरफ लेके जा रहा है या वो क्या पॉलिटिकल की तरफ लेके जा रहा है।
कि क्या वो किसी गवर्नमेंट की वजह से ऐसा हुआ या सबके लिए या इकोनॉमिक की वजह से ऐसा हुआ, इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। तो मैं स्पेशली इन दोनों को देखो लिखा है इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, इन दोनों को बड़े ध्यान से आपने पढ़ना है। पॉलिटिकल की पहले मैं लाइन पढ़ता हूं, देखो बुक में भी लिखा है, पढ़ते हैं। कहता अपनी बुक साथ में रखें, बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा, अंडरलाइन कर लिया होगा, लेकिन नहीं किया तो जरा देखें। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑल द फैक्टर रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स। कितनी बड़ी लाइन लिखी है कि वो फैक्टर्स जो किसी गवर्नमेंट के अफेयर से हुए हैं, सरकार के किसी काम से हुए है, सरकार के किसी काम से हुए हैं, such as a type of government in power, attitude of government towards different group of society, कि government की power में आने से, government के किसी attitude में आने से, government के किसी काम में आने से, government का कोई काम करने से, जो आपकी society को कोई भी plan में कोई change आता है, उसे हम कौन सा बोलते हैं, implemented by different government etc. The political environment has immediate and great impact on business transactions. एक दम कर डालती है, उसने रात को ही बोल दिया नवंबर में, रात को ही कि आज रात के 12 बजे के बाद वो नोट कैंसल, इमीडिएट इफेक्ट डाल दिया पूरे इंडिया पे। तो वो कौन सा इफेक्ट है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, कौन सा है, आम आदमी पार्टी ने सरकारी स्कूलों को बहुत बढ़िया बनाया हुआ दिल्ली के, पता है आपको, दिल्ली के जो सरकारी स्कूल है ना वो हमारे यहाँ के प्राइवेट स्कूल से भी बहुत बढ़िया है, लुक में भी और एजुकेशन में भी, प्रोजेक्ट सिस्टम सब कुछ लगा रहा है। तो ये कौन सा, किसने कराया, ये दिल्ली सरकार ने, तो पॉलिटिकल एनवायरमेंट है, इससे एजुकेशन अच्छी बढ़ेगी, तो वो कौन सा एनवायरमेंट है, सोशल एनवायरमेंट है। तो पहला इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, सरकार की वजह से ऐसा, कौन सा है, सरकार की वजह से ऐसा। पंजाब सरकार ने करा ना, पंजाब सरकार ने बसों में लेडीज की जो उसकी किराया है वो क्या कर रखा है, माफ कर रखा है कि लेडीज पंजाब में कहीं भी जाए, चाहे वो अंबरसर से लुधियाना मंडी में सब्जी लेने जाए, कोई फ्री है जाएगा, ठीक है ना। तो वो कौन सा एनवायरमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट है, क्यों, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक सरकार ने किया जिससे पूरा इंपैक्ट पड़ा, ये चीज कौन सा एनवायरमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट है, ठीक है। जैसे आपका थोड़ा बहुत एक आधा मैं एग्जांपल लिख भी देता हूं, आजकल जो एक सबसे मेन चला हुआ है हमारे इंडिया में, स्वच्छ भारत अभियान, सुना है, सबसे मेन चला हुआ है स्वच्छ भारत अभियान, आजकल प्लस वन में पढ़ाया था मैंने, याद है, स्टार्टअप, स्टार्टअप स्किल इंडिया मिशन, बीजेपी गवर्नमेंट में आ गया है, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ डिपेंडेंस इंडिया, ये सारा क्या है, ये सारा क्या है, ये सारा किसी सरकार की वजह से हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, किसी गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है, जब किसी की पावर में रह के कोई डिसीजन ले आता है, उसके पास पूरी अथॉरिटी है उस चीज को लेने की, तो वो आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है कि ऐसी कोई चीज घट जाती है जो पूरी कंट्री की इकोनॉमिक सिस्टम को हिला देती है, वो किसमें आता है, आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इन दोनों को बड़े ध्यान से पढ़ना है आपने, इन दोनों को बड़े ध्यान से टॉप टू बॉटम पढ़ना है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जैसे सबसे पहले ऑडियो देन वीडियो, बहुत जरूरी है इस चीज की। लीगल एनवायरनमेंट, नाम से चल गया कानून, हमारे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का कानून, सुप्रीम कोर्ट जो हमारे इंडिया का है, ये लॉ एंड ऑर्डर का लास्ट है, हमारे इंडिया का लैंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, मतलब ये लास्ट है, हमारे इंडिया का टॉप अपेक्स सुप्रीम कोर्ट होता है। वो कहता है कि पॉलिथिन बैन है, पॉलिथिन बैन कर दिए, अगर पॉलिथिन बैन हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर पॉलिथिन का यूज करेगा तो चलान हो जाएगा, तो कौन सा एनवायरमेंट है, लीगल एनवायरमेंट। कौन सा एनवायरमेंट है, मास्क लगाना चाहिए, मास्क लगाएंगे तो कोरोना वायरस से बचेंगे, कौन सा एनवायरमेंट है,
सोशल एनवायरमेंट है। लेकिन अगर मास्क नहीं लगाया तो आपका चलान होएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया, कानून बना दिया। कौन सा एनवायरमेंट है? लीगल। तो आपको एक लाइन दे, एक लाइन के प्रेशर पे जाना है कि वो लाइन के किस से जुड़ी है, किस को इंपैक्ट डाल रही है ज्यादा। ये एनवायरमेंट के देखने में बड़े इजी लेकिन अब ध्यान से इनको पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि भाई बिलो 18 ईयर्स नोट सेल एल्कोहल पड़ा, अठारह साल से नीचे वालों को एल्कोहल प्रोडक्ट की सेल नहीं की जाएगी। कौन सा एनवायरमेंट है? लीगल एनवायरमेंट है, क्योंकि ताकि वो नशे से बचे, लीगल एनवायरमेंट है। बहुत काम करती है सरकार, कानून बनाए हुए सरकार ने। पढ़ता हूं लाइन, द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड, देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू एवरी बिजनेस एंटरप्राइज टू एडुकेट नॉलेज एंड रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म बाय गवर्नमेंट। सरकार ने जो रूल रेगुलेशन आपके लिए बनाए हैं, हर बिजनेस को वो रूल रेगुलेशंस का पता होना चाहिए, क्योंकि आज आप इंडिया में हो और इंडिया में रहकर अगर आपको इंडिया के लॉ का ही नहीं पता तो क्या बिजनेस चलेगा? तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आपको इंडिया में रहकर इंडिया के लॉ के बारे में जानना जरूरी है। इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर, जैसे मैंने लिख दिया, बहुत ही बैन है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हमारे इंडिया का सबसे बड़ा वो है जो आपका, और एक जैसे लिखा होता है कि जब भी आप कोई भी नशे का प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप तो क्यों खरीदेंगे, देखा तो होगा आपने शराब बीड़ी सिगरेट, उस पर स्पेशल लिखा होता है इट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, है ना, ड्रिंकिंग या स्मोकिंग। वो सरकार ने लीगली बना रखा है कि आपको वो लिखना पड़ेगा ताकि लोग पढ़ के ये तो जाने कि पीने के लिए हानिकारक है। चलो जिसने दो पैग लाने हुए एक लगाएगा, लेकिन कहां सुनते हैं इंडिया वाले, सही बात है क्यों राणा जी, बिल्कुल नहीं सुनते। लेकिन तो सरकार ने फिर भी बना रखा है कि नहीं मानते, लिखा हुआ है आपके 130 पेज पे, देख लीजिए 4 और 5 और 6 7 एग्जांपल यही है। लीगल पॉलिसी रिलेटेड टू द लाइसेंस एंड फॉरेन ट्रेड, स्ट्रेचरी वार्निंग ऑन द प्रिंटेड ऑन लेबर द पैकेट ऑफ सिगरेट हैव बीन स्ट्रेचरी वार्निंग, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सरकार ने फिर एक्ट बनाए हुए हैं रेगुलेशन एक्ट फॉरेन एक्सचेंज कि जब अगर आपने डॉलर में अपने आप एक्सचेंज करना है, रुपए में एक्सचेंज करना है, सरकार के लॉ एंड ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। सरकार ने रूल बनाए हुए हैं, वो लॉ लीगली एनवायरमेंट है। कौन सा है? लीगल। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया गया है इसके लिए। वो सारे एक्ट जितने भी होते हैं वो लीगल में आते हैं। लॉ टू कीप चेक एडवर्टीजमेंट, द एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहल प्रोडक्ट प्रोहिबिटेड। देखा कभी भी आपने दारू की वो वाली एड, गोल्ड फ्लैग की एड आ रही है या फोर्स की, जो भी सिगरेट आती है उसकी एड आ रही, नहीं आती है, सोडे के टाइप में आती है ना, कहते हैं सोडा है पानी है, लेकिन कभी डायरेक्ट वो ड्रिंक की देखते हैं कि लो रॉयल स्ट्राइक की ये बॉटल है, दारू है, इसको पीने से बंदा है नाचता है, ऐसा कुछ है, ऐसी कोई एड नहीं आती। आती है सिगरेट के धुएं को ऐसे उड़ा रहे हैं, वो सिगरेट लगा रहे हैं, देखो बहुत अच्छी सिगरेट है, ऐसा कुछ ऐसे ऐड आती है? बिल्कुल भी ऐड नहीं आ सकती इस चीज की। सरकार ने लीगली बैन कर रखा है कि आप कितने भी जो प्रोडक्ट हैं इसकी आप बिल्कुल भी ऐड नहीं करोगे। किसने? सुप्रीम कोर्ट। गार्बेज, सरकार ने गार्बेज बनाए हुए हैं कि भाई पॉलिथीन, आज देखा होगा आपके आपके आसपास जितने भी घर हैं वहां पे गीला कचरा किसी और में डालना है, सूखा कचरा किसी और में डालना है, सरकार ने इसके लिए सोशल एनवायरनमेंट बनाया हुआ है। सोशल के बाद सरकार कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बनाओ कि गीला कचरे के लिए अलग होगा, कोई जुर्माना रखा जाएगा, वो कौन सा एनवायरनमेंट है? फिर लीगल एनवायरनमेंट है। रूल बनाना जनता के लिए लीगल है, उसको ओबे करने से जनता का भला होगा, कौन सा है? सोशल है। ये चीजें कनेक्शन है, एक दूसरे से कनेक्शन है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, लाइन पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि वो लाइन किसके ऊपर बात कर रहा है, वो पैराग्राफ किसके लिए बात कर रहा है। ये सारी चीज आपको जाननी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। अगला, टेक्नोलॉजिकल। इस टाइम जो बच्चे मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं वो किस में देख रहे हैं? कोई बच्चा फोन में देख रहा होगा इस टाइम, कोई बच्चा टीवी में लगा के देख रहा होगा एंड्रॉइड में, कोई बच्चा लैपटॉप में देख रहा होगा, कोई बच्चा अपनी मम्मी के फोन में देख रहा होगा, कुछ तो देख कहीं ना कहीं देख रहा होगा। तो वो सारा
किसमें आता है? टेक्नोलॉजिकल में आता है। किसमें आता है? मोबाइल, इंटरनेट, इंटरनेट बैंकिंग। मैं कहता हूं भाई मेरे पास ट्यूशन फीस ऑनलाइन पे कर दो मुझे, कोई चक्कर नहीं ना, जो घर बैठे आप दे दो, तो कौन सा एनवायरमेंट है? आपके अकाउंट से एकदम पैसे कट के कहां जाते हैं? मेरे अकाउंट में आते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, टेक्नोलॉजिकल। आज आपके हाथ में टेक्नोलॉजी है, मोबाइल, मोबाइल देखो टेक्नोलॉजी मतलब लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है, ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग और क्या कहते हैं इसे, Amazon, Flipkart, ये सारी ऑनलाइन काम है। आज लॉकडाउन है, लॉकडाउन का आखिरी दिन है, आज कल है आखिरी, आज कल है। लॉकडाउन में भी हमारी, लॉकडाउन में भी मैं आपको YouTube के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। लॉकडाउन में रहते रहते ही मैंने ऑनलाइन ट्राइपॉड मंगा लिया घर बैठे बैठे, कौन सा एनवायरनमेंट है? टेक्नोलॉजिकल। प्लस अभी आप जब हम दूसरे ट्यूशन, पुराने ट्यूशन में थे, तो मैंने क्या मंगवाया था? अपना नया फोन मंगवाया था, रिप्लेस करके दूसरा दे दिया, कौन सा एनवायरनमेंट है? टेक्नोलॉजिकल। घर बैठे बैठे ही सब कुछ आज आपके पास पहुंच जाता है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बुकिंग, टिकट की, Amazon, Flipkart, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है? टेक्नोलॉजिकल में आती है। टेक्नोलॉजिकल तो आसान है, इसका तो पढ़ते हुए चला जाता है यार, टेक्निक की बात होती है। आजकल ऑटोमेटिक मशीनें आ चुकी हैं, पहले कार्बन पेपर होता था, एक छापते थे, चलाना तो पता होगा रमा जी, है ना, कार्बन पेपर होता है, एक रसीद आपके पास आती है, जब भी आप ओरिजिनल बिल लेते हैं तो ऐसे ही होता है, कार्बन पेपर मिलता है, ठीक है। अब कार्बन पेपर जगह कौन सी मशीनें आ गई हैं? फोटो स्टेट मशीनें आ गई हैं, बस एक प्रिंट करो, फोटो स्टेट करवा लो। ट्रेडिशनल वॉचेस की जगह आजकल कौन सी वॉचेस आ गई हैं? डिजिटल वॉचेस। कई बच्चों के सिस्टम हाथ में होते हैं, डिजिटल वॉचेस होते हैं, टच करते चलती हैं वो। एक्सरे मशीन आ गई है आज के टाइम में, बंदे के अंदर खड़े खड़े बता देते हैं उसके अंदर क्या है क्या नहीं। मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा ना, मुझे पूरा स्कैन कर लेंगे, लो जी आपके अंदर ये चल रहा है इस टाइम, सारा बता देती हूँ, एक्सरे मशीन्स आ गई हैं। टेक्नोलॉजी ने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला है हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर, जो हमारी हेल्थ सर्विस है। हेल्थ सर्विस कितनी बढ़िया बना दी है इसकी, पहले तो पता नहीं चलता था कि अंदर हो क्या रहा है शरीर के, आज तो मिनट बदल जाता है, देखो जी ये बीमारी है। पहले बीमारी का पता लगते बंदा तो चल जाता ऊपर तक, अब तो पहले बचा लेते थे, टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गया तो बच गया मतलब। तो ये चीज आ चुकी है आज टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में, आपके हाथ में मोबाइल है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट है। ऑनलाइन बुकिंग कर देते हो, ऑनलाइन मुझे ट्यूशन की पेमेंट दे देते हो, वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट्स में आता है सारा। तो टेक्नोलॉजिकल तो आज हमारे जिंदगी का सबसे बेस्ट वो बन गया है, एक हमारी जिंदगी का सबसे क्या कहते हैं मेन लेफ्ट हैंड से बोलते हैं अपना, वो बन गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना तो आज हम चल नहीं सकते बिल्कुल भी। तो यहाँ पे लिखता भी है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड द फोर्सेज रिलेटेड टू द साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशंस व्हिच प्रोवाइड द न्यू वे ऑफ प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विस फॉर न्यू वे ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। सीडी रोम्स, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रोसरी आइटम्स, ऑनलाइन बुकिंग एयर टिकट, टेक्नोलॉजिकल कार कंपेयर फेयर प्राइस की, कार की कंपेयर करते ना, कार बाजार, पॉलिसी बाजार, कईयों के लिखा होता है पॉलिसी बाजार में सबसे ज्यादा वो आती है कि दो चार दस कंपनियों के पॉलिसी के जो रेट है कंपेयर करके कोई भी खरीद लो आप। शिफ्ट फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर्स, टाइपराइटर टू वर्ड प्रोसेसर, आज कंप्यूटराइज जमाना, टाइपराइटर पहले चलता था। शिफ्ट फ्रॉम कार्बन पेपर टू फोटो, आईटी सेक्टर आ गया है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन टिकट बुक हो जाती है, सामने देखो आपकी बुक में बना हुआ है, ये बना हुआ है पेज नंबर 131 पे, देखो आप वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये देखिए ऑनलाइन सिस्टम सारा सामने बना हुआ है, कैसे आप टिकट बुक करवाते हैं, ये सारे का सारा कौन सा है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। ये देखो मैंने कुछ साथ में आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं ताकि आपको पांच के पांच ये समझ आ जाए। ये देखिए ये पांच एनवायरनमेंट है, पहला इकोनॉमिकल, जिससे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जीडीपी, ब्लैक मनी, नेशनल इनकम, आरबीआई, सीआरआर, एसएलआर, डिमांड, सोशल, जो हमारे ऊपर सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, फैशन, क्लाइमेट, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात आई, एससी एसटी कास्ट की बात आई, पॉलिटिकल, जहां पे एक गवर्नमेंट के पावर में आने से गवर्नमेंट को डिसीजन ले लेती है,
ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, स्टार्टअप्स, क्लीन इंडिया मिशन, सेल्फ डिपेंडेंस इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सारे बीजेपी के प्लान्स हैं, ठीक है। एंड नंबर लीगल एनवायरनमेंट, सुप्रीम कोर्ट पॉलिथिन बैन कर दिया, 18 साल से नीचे आप किसी को बेच नहीं सकते, और एडवर्टीजमेंट प्रोहिबिटेड है इस चीज की, ये लीगल है, कानून बनाया गया है इसके लिए। टेक्नोलॉजिकल, आजकल तो मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग ये सारा आज आपके हाथ में है ही है। तो अपनी बुक निकाल के मेरे साथ, मेरी आवाज आपके साथ पढ़ रही है, सबसे बड़े रामबाण इसके बता रहा हूं मैं आपको, पेज नंबर 131 जहां पे दे रखा है, वहां पे नीचे कीवर्ड्स दे रखे हैं, कीवर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड्स जो आपको ये बताएंगे कि कौन सा एनवायरनमेंट कहां लग सकता है। पहला इकोनॉमिक के लिए यानी चेंज इन टैक्स, देखो इकोनॉमिक है, इनकम सेविंग इन्वेस्टमेंट, चेंज इन वैल्यू ऑफ रूपी, जीडीपी, नेशनल इनकम, आरबीआई, एनी चेंज इन इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस, यानी कि मार्केट स्टॉक शेयर मार्केट का बढ़ना कम होना, ये सारे कौन से एनवायरमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट है, कौन से है, इकोनॉमिक। वर्ड वर्ड पढ़ना है, वर्ड वर्ड समझना है। सोशल में चेंज इन टेस्ट एंड फैशन, नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन, सोशल ट्रेंड, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज फॉलोड, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, चेंज इन एजुकेशन, आजकल हमारी एजुकेशन ऑनलाइन बढ़ गई है, एजुकेशन में चेंज आ गया आज के टाइम में, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारा कुछ पता है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है आपका, पॉलिटिकल ये ध्यान से पढ़ना है, पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, कि जब भी कोई गवर्नमेंट चुनी जाती है, सिलेक्ट होती है, तो उसके अपने एटीट्यूड होते हैं। जनरल स्टेबिलिटी, पीस इन पॉलिटिकल कंडीशंस, कि हर कंट्री, हर स्टेट, हर रीजन अपने जगह पे, अपने स्टेट में पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, उसके लिए अपने अपने कंडीशंस अप्लाई करती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा था, कि जिसने भी लॉकडाउन लगाना है अपने ऊपर डिपेंड है, हम नहीं लगाएंगे, तो हर स्टेट अपने अपने तरीके से लगा रही है ना, कोई मिनी लॉकडाउन लगा रही है, कोई फुल लॉकडाउन लगा रही है, कोई दुकानें आदि खोल रही है, किसी को टाइम दिया जाता है, तो पॉलिटिकल एनवायरमेंट है सारा। एजेंडा ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रिलेशन ऑफ आवर कंट्री विद फॉरेन कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अ कंट्री, ये सारे का सारा पॉलिटिकल है। लीगल एनी एक्ट, स्टेटस और लीगली रूल्स सारे, कोर्ट जजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशू बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर सरकार का, होम मिनिस्टर कह देता है कि ये चीजें करनी है, डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट द एवरी लेवल इन सेंटर स्टेट और लोकल, मेकिंग एन ऑर्डर कंपलसरी, कि ऑर्डर कंपलसरी है जी, ये ऑर्डर आपको मानना ही मानना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में मेथड ऑफ प्रोडक्शन, नई मशीन आ जाती है, न्यू मेथड ऑफ वर्किंग फॉर इंप्रूवमेंट, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट ऑफ बिजनेस इनोवेशंस, न्यू टेक्निक मेथड ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस, कितने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स दे रखे हैं आपको, क्यों जी चिरागी। तो अब मैं एक दो तीन केस स्टडी पढ़ता हूँ, पहली केस स्टडी था आरबीआई, आरबीआई का नाम आ गया, देखना बोर्ड जरा, आरबीआई कहाँ आ रहा है, आरबीआई किस में आ रहा है, इकोनॉमिक में आ रहा है, देखो इसका आंसर इकोनॉमिक एनवायरमेंट है, तेरे क्वेश्चन में नहीं पढ़ा अभी। द आरबीआई ऑफ इंडियन रुपीज सीआरआर बाय 0.5 टू द कंट्रोल रिसेशन, दिस इज रिफ्लेक्ट टू डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, कौन सी लगेगी यहाँ पे, इकोनॉमिक लगेगी, कौन सी लगेगी, इकोनॉमिक एनवायरमेंट लगेगी। इंट्रोडक्शन ऑफ द मोबाइल फोन हैज नेगेटिवली इफेक्ट ऑन द बिजनेस कैमरास, आजकल जो मोबाइल फोन आ गए ना, कैमरा तो खत्म ही कर दिए, पहले चलते डीएसएलआर वगैरह, अब तो आपके फोन में डीएसएलआर है, बिल्ट में एडिट करके, आज कौन सी ब्यूटी प्लस होती है, काले से गोरा, गोरे से काला, सब बन जाता है उससे, ब्लर ब्लर करके फोटो एडिट करके बहुत बढ़िया बन जाती है, तो वो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट इसका आंसर है सेकंड, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, ये आपको जरूर पढ़ना है, एक अच्छी केस स्टडी आगे भी दे रखी है, जरूर पढ़े। पांच डायमेंशन सबसे इंपॉर्टेंट, कोरे पेज पे लिखवा लो, पेपर में 100% आनी है, 100% उसे बोलते हैं, आपका ये चैप्टर यहां खत्म होता है, आपके कोरोना के सिलेबस में यहीं तक के चैप्टर है, अगर आपका सिलेबस अपडेट होगा तो हम आपको आगे करवा देंगे, वरना हम इसको यहीं स्टॉप कर देंगे, मैं करवा दूं और पेपर में ना आए, सिलेबस में कट जाए, तो हमारा टाइम का वेस्टेज है, टाइम बचाना है, अगर ये पेपर में आएगा ना, पेपर में नहीं सिलेबस में आएगा, तो उसको कराने में एक दिन का काम हो, तो आप मेरे आमने सामने हो ही जाने वाले टाइम में, तो फटाफट हो जाएगा, बड़ा ईजी टॉपिक है अगला भी, ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, ख्याल रखें, और इसके थोड़ी देर बाद आकर अगली वीडियो आएगी, किसकी, रिवीजन ऑफ एडमिशन जर्नल एंट्रीज, ओके बाय।